ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वॉटसन ने अपने एनालिसिस शेयर किए हमारे साथ कि जो अननोन विजिटर है वो किस तरह का है। नेक्स्ट ये होता है कि होम्स उठता है और सिगरेट लाइट करता है। सिगरेट लाइट करने से हमें क्या इंडिकेशन मिलती है कि वो एक स्मोकर है। अब होम्स का जो करेक्टर है वो एक बहुत ही सेल्फ प्रोक्लेम सा करेक्टर है, यानी कि सेल्फ सेंट्रिक सा करेक्टर है, सेल्फ बोस्टिंग सा करेक्टर है। ये जो तीन वर्ड्स हैं, सेल्फ बोस्टिंग, सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ सेंट्रिक, इनके जो मीनिंग है वो सिमिलर हैं कि होम्स जो है वो अपनी अना के दायरे में घूमता है, अपनी ही वाहवाही करता है, अपनी ही प्रेजेस करता है। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि जब वो वॉटसन को कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा उसकी अपनी प्रेजेस होती हैं। वो क्या कहता है कि तुम ल्यूमिनस तो नहीं हो लेकिन तुम कंडक्टर ऑफ लाइट हो। ल्यूमिनस तो नहीं हो, कंडक्टर ऑफ लाइट हो का मतलब ये होता है कि वो खुद जीनियस नहीं है लेकिन उसके अंदर एक पावर है कि वो जीनियस को स्टिमुलेट कर सकता है। स्टिमुलेट का मतलब अराउज कर सकता है, ऊपर लेकर आ सकता है, इन्विग्रेट कर सकता है। कंडक्टर ऑफ लाइट, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि कंडक्टर ऑफ लाइट अपने थ्रू पास करते हैं लाइट, वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, लाइट को सोर्स बनते हैं, सिर्फ एक पासिंग सोर्स बनते हैं। तो होम्स क्या कहना चाह रहा है कि वॉटसन खुद इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उसने स्टिमुलेट किया है जीनियस को होम्स की। अब वॉटसन जो है, जो हमारा जो वॉटसन का करेक्टर है, यहाँ से पता चलता है कि वॉटसन का करेक्टर बहुत फॉलोअर का करेक्टर है। तो वो इस बात पे भी, इस कॉम्प्लीमेंट पे भी खुश हो जाता है, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक सेल्फ बूस्टिंग, सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ सेंट्रिक सा कॉम्प्लीमेंट है। बूस्टिंग, प्रोक्लेम्ड, सेंट्रिक, ऑलराइट। तो वॉटसन जो है वो जॉयस फील करता है, कीन प्लेजर फील करता है जब होम्स उसको ये सारा कॉम्प्लीमेंट देता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बास्ट इन द ग्लोरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बास इन द ग्लोरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कीन प्लेजर फील करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके खुश होने के दो मेन रीजंस होते हैं। रीज़न नंबर वन, कि पास्ट में ऐसी कुछ अक्रेंस होती है जो हमें ऑथर ने बहुत ही डिटेल में नहीं बताई, कि पास्ट में उसने कुछ ऐसा किया होता है होम्स के मेथड्स को पब्लिसिटी देने के लिए जो होम्स को अच्छा नहीं लगा होता है और होम्स ने उसे डिसरिगार्ड कर दिया होता है, मीन्स उसके लिए इंडिफरेंट हो जाता है। और ये बात वॉटसन को अच्छी नहीं लगती कि एक तो भाई मैंने ट्राई भी किया तुम्हारे मेथड्स को पब्लिसिटी देने के लिए और वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया। तो वो जो है वो रिसेंटफुल फील करता है, अनॉयड फील करता है। लेकिन आज जब उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली 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 मैंने अप्रूवल को सीक कर लिया। मतलब मुझे अपने कंपेनियन का, जिसको मैं इतना ज़्यादा एडमायर करता हूँ, उसका अप्रूवल जो है वो मैंने सीक कर लिया। और उसके जो मेथड्स को, जो उसके मेथड्स जो इम्प्लीमेंट करता है, जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिडक्शंस करता है, मैंने भी उसी के मेथड्स को मास्टर कर दिया और उस मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके मैं भी सही डिडक्शंस और सही कंक्लूजन पे पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पे नोटवर्दी चीज़ें क्या हैं कि होम्स का करेक्टर एक लीडर का है जो कि सेल्फ बूस्टिंग सा है, सेल्फ प्रोक्लेम सा है, सेल्फ सेंट्रिक सा है, क्योंकि वो बहुत रैशनल है। उसके अंदर जो हाइपर रैशनैलिटी है वो उसको एक अनापरस्त इंसान बना देती है। वॉटसन का जो करेक्टर है वो फॉलोअर का है। ठीक है, वो फॉलोअर जो अपने कंपेनियन के मेथड्स को परस्यू करना चाहता है। परस्यू का मतलब होता है फॉलो, मतलब उसी की राह पे चलना चाहता है। सीक अप्रूवल करके वो बहुत खुश होता है कि जब उसको कॉम्प्लीमेंट मिला, उसको अप्रूवल मिला, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट फेज ऑफ द नॉवल में क्या होता है कि होम्स जो है वो खुद अब इस स्टिक को एग्जामिन कर रहा होता है। हमने अब तक क्या पढ़ा था कि वॉटसन के एनालिसिस क्या थे, अब हम देखते जा रहे हैं कि होम्स के एनालिसिस क्या थे। होम्स उठता है और उस स्टिक को एग्जामिन करने की कोशिश करता है। पहले अपनी आंखों से एग्जामिन करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी डायरेक्ट आंखों से, नेकेड आईज का मतलब होता है अपनी डायरेक्ट आंखों से एग्जामिन करने की कोशिश करता है, यानी कि उनके आंखों के और उसके बीच में कोई ग्लास नहीं होता, कोई बायनोक्यूलर्स नहीं होता, कोई कॉन्वेक्स लेंस नहीं होती। उसके बाद वो उसकी डिटेल एनालिसिस के लिए कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करता है। फिर उसके बाद कहता है कि यकीनन इस स्टिक के अंदर कुछ इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशन का मतलब साइंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पर हम अपनी डिडक्शन कर सकते हैं कि वो अननोन विजिटर कौन था और अननोन विजिटर किस तरह का था। अब जब ये बात वॉटसन सुनता है तो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि वॉटसन जो था वो बड़ा खुश था, कीन प्लेजर फील कर रहा था, वो कीन प्लेजर फील कर रहा था, बास कर रहा था ग्लोरी में कॉम्प्लीमेंट्स की। तो वो बड़ी सेल्फ इंपॉर्टेंस से पूछता है कि भाई क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है, हैज़ एनीथिंग एस्केप्ड मी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब मेरी इतनी वाहवाही हो रही हो, मेरी इतनी इंकरेजमेंट मिल रही हो और मैं कुछ भूल गया हूँ। तो होम्स क्या कहता है कि तुम्हारी जो मोस्ट कंक्लूजन्स थी ना वो इरोनियस थी। इरोनियस मतलब इनकरेक्ट, गलत थी। और वो होम्स जो है उसने कहा कि
एरोनियस है, ये फैलेसीज हैं। अब होम्स के कॉम्प्लीमेंट की तरफ दोबारा हम चले जाते हैं। होम्स ने अपने कॉम्प्लीमेंट में क्या कहा था कि वॉटसन के अंदर कोई जीनियस नहीं है लेकिन पावर ऑफ स्टिमुलेशन है, वो स्टिमुलेट कर सकता है, इन्वग्रेट कर सकता है। इसका मतलब होम्स का ये मतलब नहीं था कि वॉटसन बहुत इंटेलिजेंट है, बल्कि होम्स का ये मतलब था कि जब वॉटसन उसकी गलतियों को नोट कर रहा था, उसकी फैलेसीज को नोट कर रहा था, तो उसको समझ आ गया कि असलियत क्या थी। मतलब ही वॉज गाइडेड टूवर्ड्स द ट्रूथ, गाइड हुआ वो ट्रूथ से। कैसे ट्रूथ पे गाइड हुआ? क्योंकि उसने वॉटसन की गलतियां समझते समझते, गलतियां जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो वॉटसन ने, वॉटसन की गलतियों से होम्स ने सीखा। होम्स ने खुद गलती नहीं की, बल्कि वॉटसन की जो सारी गलतियां थी उसे सीख सीख कर उसने अपनी डिडक्शंस को ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो अ क्विक ओवरव्यू कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। होम्स जो है वो एक सेल्फ सेंट्रिक, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड सेल्फ बूस्टिंग सा करेक्टर है। मतलब अपनी ही वाहवाही करता है, अपने ही अना के दायरे में घूमता है, क्योंकि उसने जब कॉम्प्लीमेंट दिया था वॉटसन को तो वो एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट उसकी अपनी ही तारीफ थी। उसने वॉटसन को कहा था कि वो अपनी एबिलिटीज़ को अंडर रेट करता है, अंडरमाइन करता है, और जो उसकी होम्स की अचीवमेंट्स होती हैं उसमें वॉटसन का काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, और वॉटसन उसको क्रेडिट, अपने आप को क्रेडिट नहीं देता। अब वॉटसन को कॉम्प्लीमेंट सुन के जो है वो बहुत कीन प्लेजर फील हुआ था, बहुत जॉयस हुआ था। उसकी दो रीजंस थी। एक रीज़न के पास्ट में उसने कुछ मेथड्स यूज़ किए थे जो होम्स को अच्छे नहीं लगे थे, और ये बात वॉटसन को अच्छी नहीं लगी थी कि होम्स को उसके मेथड्स अच्छे नहीं लगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उसने फाइनली अपने कंपेनियन का, जिससे वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड था, उनका अप्रूवल सीख कर लिया था। फिर उसके बाद हमने दोनों के करेक्टर डिफरेंसेस पढ़े कि वॉटसन का करेक्टर इज़ ऑफ अ फॉलोअर एंड होम्स का करेक्टर इज़ ऑफ अ लीडर। नेक्स्ट हमने ये देखा कि होम्स अब खुद एग्जामिन करने जा रहा है स्टिक को। पहले उसने नेक आइज़ के थ्रू एग्जामिन किया, फिर उसके बाद उसने कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू एग्जामिन किया। और इसके अलावा हमें ये पता चला कि उसने वॉटसन की सारी आर्ग्यूमेंट्स को, सारी थ्योरीज़ को, सारी डिडक्शंस को, जितने भी अभी तक वॉटसन के एनालिसिस आए हैं, उन सबको इरोनियस कह दिया है, कह दिया कि वो फैलेसीज थी। फैलेसीज क्या होती हैं? फैलेसीज ऐसी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जो हमें स्टार्ट में तो सही लगती हैं लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो गलत हैं। मतलब कि वो मटेरियल फैक्ट्स पे बेस नहीं करती। हमें इनिशियली लगता है, बिल्कुल स्टार्ट में लगता है कि वो सब सही सही हैं। जैसे स्टार्ट में हमें लगा था कि एच का मतलब हंट भी हो सकता है, कि हो सकता है कि उसकी सारी, इसने जो वॉटसन ने जो बातें की, सारी जो डिडक्शंस की, वो उसने सही कहीं। लेकिन जब आगे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी तो हमें पता चलेगा कि वो सारी डिडक्शंस गलत थी। सो इट मीन्स कि वो फैलेसीज थी। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि होम्स ने कहा कि वॉटसन की जो मेजर कंक्लूजन्स हैं वो इरोनियस हैं, लेकिन मेजर कंक्लूजन्स इरोनियस हैं, सारी कंक्लूजन्स इरोनियस नहीं हैं। जो दो कंक्लूजन्स उसकी सही थी वो क्या थी? एक कि जो अननोन विजिटर है वो कंट्री प्रैक्टिशनर है, और दूसरा कि वो वर्क करता है ग्रेट डील। ये दो जो डिडक्शंस होम्स ने वॉटसन ने निकाली थी वो सही थी। अब होम्स क्या कहता है कि जो एच है, CCH का जो H है वो कोई हंट नहीं है, यानी कोई लोकल कम्युनिटी नहीं है जिसमें जो है वो किसी अननोन विजिटर ने प्रेजेंटेशन दिया है या डॉक्टर मोर्टिमर ने प्रेजेंटेशन दिया है, बल्कि H क्या है? हॉस्पिटल है। अब आप खुद सोचें कि एक डॉक्टर है तो इट इज़ मोर लाइकली कि वो किसी हॉस्पिटल से बिलोंग करता होगा, किसी हॉस्पिटल में से होगा, उसे प्रेजेंटेशन मिली होगी, रेदर देन किसी हंट से मिली होगी। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि वॉटसन की जो डिडक्शंस होती हैं वो मटेरियल फैक्ट्स पे बेस नहीं करती, वो फ्लिम्सी सी डिडक्शंस होती हैं, मतलब हवाई बातें होती हैं, एवे में कह देता है। तो होम्स ये कहता है कि जो सीसी है वो कैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल सजेस्ट करता है अपने आप को, जो कि टाउन में एक हॉस्पिटल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम AKUH सुनेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा आगा खान, अगर हम LNH सुनेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। तो वैसे ही वो CCH जब सुनता है तो वो कहता है कि CC जो होता है, अगर H हॉस्पिटल है तो CC को क्या होना चाहिए? कैरिंग क्रॉस। और कैरिंग क्रॉस कहाँ होता है? टाउन में। हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक टाउन और एक कंट्री। अच्छा, अब वो कहता है कि टाउन में है तो इस बात से, और अगर ये चीज़ सही है तो ये वर्किंग हाइपोथीसिस है, मतलब ये चीज़ अगर वैलिड है तो हम और क्या चीज़ें इसे निकाल सकते हैं, फर्दर इन्फ्रेंसेस क्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो वॉटसन कहता है कि मैं आगे थोड़ा सा वेंचर फॉरवर्ड जब मैं करूँ तो मुझे लगता है कि जो इसने, जो हमारा विजिटर है, जो डॉक्टर मोर्टिमर हैं, उन्होंने टाउन को छोड़ के कंट्री को स्विच किया था। मतलब पहले वो टाउन में काम करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने कंट्री को ज्वाइन कर लिया, एज कंट्री प्रैक्टिशनर बन गए। आप टाउन और कंट्री को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक गाँव हो गया और शहर हो गया, तो शहर इस केस में हमारा टाउन है और गाँव इस केस में हमारा कंट्री है। ओके, सो अब होम्स ने कहा कि हम इसके अलावा भी और डिडक्शंस कर सकते हैं। वो क्या? कि ये जो स्विच हुआ था
मतलब टाउन से कंट्री प्रैक्टिशनर जो बना था हमारा विजिटर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे उसी वक्त वो प्रेजेंटेशन मिली हो। जैसे हमारे फेयरवेल्स होते हैं उसमें हमें टाइटल्स मिलते हैं, जब हम स्कूल से कॉलेज शिफ्ट हो रहे होते हैं तो हमें टाइटल्स मिलते हैं, हमें गिफ्ट मिलते हैं, तो उसी तरह से डॉक्टर मोर्टिमर को क्या मिली थी, ये प्रेजेंटेशन मिली थी एज अ प्लेज ऑफ गुडविल। यहाँ पे उसने हमें एक चीज़ और बताई कि विक्टोरियन एरा, हम विक्टोरियन एरा की बात कर रहे थे, विक्टोरियन एरा कौन सा एरा होता है, जब क्वीन विक्टोरिया का रीन था, यानी क्वीन विक्टोरिया रूल करती थी, तो उस एरा में क्या ऐसी क्या चीज़ होती थी कि जो फिजिशियंस होते थे उनको प्रेस्टिजियस कहलाया जाता था, मतलब उनकी ज़्यादा वैल्यू होती थी, और जो सर्जन्स होती थी वो कोई कम वैल्यू रखते थे। क्यों? क्योंकि फिजिशियंस जो होते थे वो सिर्फ प्रिस्क्राइब करते थे, मतलब सिर्फ डायग्नोसिस करते थे, सिर्फ लिख लेते थे, लेकिन सर्जन्स ह्यूमन बॉडी को टच करते थे, तो जो टच करने वाले लोग थे उनको कम वैल्यू किया जाता था। आजकल के मॉडर्न दौर में ये उल्टा होता है। अच्छा, तो स्टिक के ऊपर क्या लिखी हुई थी, डेट 1884, और अभी यह कन्फ्यूजन ड्रॉ की कि ये स्टिक उन्हें तब मिली थी जब वो स्विच कर रहे थे, तो 1884 में अगर उन्होंने स्विच किया और अभी भी वो कंट्री प्रैक्टिशनर हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक यंग इंसान है, एल्डरली जो मैन उसने कन्फ्यूजन ड्रॉ की थी वो वैनिश हो गई, मतलब डिसअपेयर हो गई। 5 साल पहले की बात थी ये, मतलब 1884 की थी, तो 5 साल पहले 1889 चल रहा है। अब होम्स की क्या डिडक्शन थी कि वो एक यंग फेलो है, यंग फेलो 1884 से हमने डिटरमाइन किया, एफेबल और एमिएबल है, एफेबल एमिएबल यानी कि गुड नेचर्ड है, काइंड हार्टेड है, इसीलिए जो उसके दोस्त हैं उन्होंने प्लेजर ऑफ गुड विल उसको ये स्टिक, ये केन दिया, ये प्रेजेंटेशन दी। अनएम्बिशियस है, अनएम्बिशियस क्यों है, क्योंकि एक अच्छा कैरियर हम स्विच करके एक टाउन से एक कंट्री में चले गए, तो ऐसे ही लोग कर सकते हैं ना, जिनके एम, जिनका एम्बिशन बहुत ज़्यादा हाई ना हो, ऐसे ही लोग ये काम करेंगे ना, कि अच्छे से कैरियर को छोड़कर वो एक नॉर्मल सी जगह पे, एक आम सी जगह पे जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो अनएम्बिशियस है। एब्सेंट माइंडेड क्यों है, क्योंकि वो अपनी स्टिक भूल चुके आया है इंस्टेड ऑफ अ विजिटिंग कार्ड, एक अपना विजिटिंग कार्ड देने के बजाय वो अपनी एक स्टिक ढूंढ कर भूल कर चला गया है। देन वो कहता है कि ही इज़ ऑल्सो अ पोजेसर ऑफ फेवरेट डॉग। अब ये उसकी बेसिस ऑफ कंक्लूजन क्या होती है कि वो ज़्यादा डेप्थ के साथ एनालाइज करता है, ज़्यादा इंसाइटफुली एनालाइज करता है स्टिक को, तो स्टिक के ऊपर च्यू मार्क्स होते हैं, डॉग के च्यू मार्क्स होते हैं, तो डॉग के च्यू मार्क्स के ऊपर कहता है कि डॉग जो है वो एक फेवरेट डॉग है जो उसकी स्टिक को कैरी करता है, उसके पीछे अपने मास्टर के पीछे अपनी स्टिक को कैरी करते हुए लेके चला जाता है, और स्टिक क्योंकि हैवी होती है तो जब वो दांतों के नीचे दबाता है तो उसके च्यू मार्क्स हो जाते हैं, तो वो च्यू मार्क्स से डिटरमाइन करता है कि ईदर इस डॉग की ब्रीड हो सकती है क्या टेरियर हो सकती है या मैस्टिव हो सकती है, ये दोनों डॉग की ब्रीड होती हैं, जैसे कि सैमीज होती हैं कैट की ब्रीड, जैसे पर्शियन कैट्स होती हैं, तो उसी तरह से डॉग की भी ब्रीड्स होती हैं। अब वॉटसन क्या कहता है, वॉटसन कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारी सारी कंक्लूजन जो तुमने ड्रॉ की हैं, जो होम्स ने ड्रॉ की हैं, वो सही हों, अब मेरे पास कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है जिससे मैं सारी कंक्लूजन्स को जस्टिफाई कर सकूं, कंफर्म कर सकूं, पर मैं उनकी मेडिकल चीज़ें जो उसने कहा था कि वो सर्जन है इंस्टेड ऑफ फिजिशियन, क्योंकि सर्जन के लिए अनलाइकली है, बहुत अनलाइकली है कि वो अपने प्रोफेशन को चेंज करे, फिजिशियन के लिए अनलाइकली है कि वो अपने प्रोफेशन को चेंज करे, क्योंकि कोई जो इतने प्रेस्टिजियस मुकाम पे हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, तो वो क्यों कहेगा कि मैं बेवजह को इस्तीफा दे देता हूं, जो है रिज़ाइन कर देता हूं, वो नहीं रिज़ाइन करना चाहेगा क्योंकि वो एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पे है। उसी तरह से वो कहता है कि वो एक सर्जन हो सकता है क्योंकि सर्जन के लिए इजी है स्विच करना प्रोफेशन रेदर देन बीइंग अ फिजिशियन। तो वो क्या कहता है कि मेडिकल प्रोस्पेक्ट से मैं इस चीज़ को चेक करता हूँ कि वेदर जो तुमने अभी कंक्लूजन्स निकाली हैं, जो एनालिसिस बनाई हैं, वो सही है कि नहीं है। तो वॉटसन जो है वो खड़ा होता है, अपनी मेडिकल शेल्फ से मेडिकल डिक्शनरी को निकालता है और उसमें से मेडिकल प्रोस्पेक्ट चेक करता है। जब वो मेडिकल प्रोस्पेक्ट चेक करता है तो जो होम्स ने सारी कंक्लूजन अबाउट द मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन बताई होती हैं कि उसने वो एक सर्जन है, वो कंट्री होम टाउन प्रैक्टिशनर था, CCH का मतलब कैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफर्म हो जाती हैं, मतलब सही साबित हो जाती हैं। नाउ लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि होम्स ने वॉटसन की मोस्ट कंक्लूजन्स को एरोनियस कह दिया है, उन्हें फेलेसीज कह दिया है। फेलेसीज क्या होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जो साइकोलॉजिकली परसुएसिव लगती हैं लेकिन क्योंकि वो मटेरियल फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं करती, वो फॉल्स होती हैं। क्या लगती हैं, साइकोलॉजिकली परसुएसिव। साइकोलॉजिकली परसुएसिव मतलब हमें लगता है कि वो सही हैं लेकिन वो सही नहीं होती, तो ऐसी आर्ग्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, फेलेसीज। ओके, सो उसकी जो कंक्लूजन्स थी वो एरोनियस थी, फेलेसीज थी, लेकिन जो जो दो चीज़ें जो सही थी वो क्या थी, एक कि वो कंट्री प्रैक्टिशनर है अननोन विजिटर, और दूसरा कि वो वॉक करता है ग्रेट डी।
अब होम्स ने अपनी कंक्लूजन्स बताई। होम्स की कंक्लूजन्स क्या थी कि वो अनएम्बिशियस है क्योंकि उसने स्विच की प्रैक्टिस फ्रॉम अ टाउन प्रैक्टिशनर टू अ कंट्री प्रैक्टिशनर, टाउन से जो है वो कंट्री प्रैक्टिशनर बन गया। यंग मैन है क्योंकि 1884 में जब उसको प्रेजेंटेशन मिली, जब उसने स्विच किया तो 1884 पाँच साल पहले था, और उसने कंट्री प्रैक्टिस शुरू की तो वो एक यंग मैन फेलो हो सकता है अंडर 30। एमिएबल है, एमिएबल क्यों है क्योंकि एमिएबल ही लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई एक कोई गिफ्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि अच्छे नेचर के होते हैं, जिनको आप जिन जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं आप उन्हीं को गिफ्ट देते हो ना, तो एज अ प्लेज ऑफ गुडविल, एज अ प्लेज ऑफ गुड विल, ठीक है, एज अ प्लेज ऑफ गुड विल उसे वो प्रेजेंटेशन मिली, उसे वो स्टिक मिली। एब्सेंट माइंडेड क्यों है क्योंकि वो अपना विजिटिंग कार्ड नहीं छोड़ के गया, उसने अपना विजिटिंग कार्ड नहीं छोड़ा बल्कि एक स्टिक छोड़ दी, ठीक है, उसने एक स्टिक छोड़ दी, अपना विजिटिंग कार्ड नहीं छोड़ा बल्कि एक स्टिक छोड़ दी। अब उस स्टिक पे जो थी वो डॉग के मार्क थे, तो डॉग के मार्क से हमने क्या डिटरमाइन किया कि वो उसके पास एक डॉग भी है, एक फेवरेट डॉग है जो उसके पीछे उसकी स्टिक कैरी करता है। टेंट्रिक सेल्फ बूस्टिंग और सेल्फ प्रोक्लेम था, मतलब उसको सिर्फ वाहवाही और उन सबका शौक था, तो उसकी बस तारीफें और अपने में ही घूमता था, अपनी आना के दायरे में रहता था। और ये सब हमें किस तरह से पता चलता है कि वो कॉम्प्लीमेंट देता है वॉटसन को, जहाँ पे एक्चुअली वो अपनी ही ओन प्रेजेंस अपने ही गुनगाता रहता है, अपनी तारीफें करता रहता है, और वो ये भी कॉम्प्लीमेंट देता है उसको कि वो अंडरमाइन है, अपनी एबिलिटीज को अंडररेट कर लेता है, अंडरमाइन कर लेता है वॉटसन अपनी एबिलिटीज को। वो बोलते हैं तुम कंडक्टर ऑफ लाइट हो, मतलब तुम प्रोड्यूसर ऑफ लाइट तो नहीं हो लेकिन तुम अपनी लाइट का सोर्स जरूर हो। इस बात का उसका मतलब ये होता है कि तुम अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं लगाते, तुम मेरी इंटेलिजेंस को अपने में सिमुलेट कर लेते हो, अराउज करते हो, इन्वोकेट कर लेते हो, और मैं इस वजह से तुम्हारी डेप्थ में हूँ। अब वॉटसन जो है वो इस वजह से कीन प्लेजर महसूस कर रहा होता है, और इस चीज़ की दो वजूहत होती है। हमारी पहली वजह ये होती है कि वॉटसन जो है उसने किसी मेथड को पब्लिसिटी देने के लिए होम्स के कोई ऐसा काम किया था जो कि होम्स ने डिसरिगार्ड कर दिया था, अपना कोई मेथड लगाया था जिसको होम्स ने डिसरिगार्ड कर दिया, उसकी वजह से वो काफी अनॉयड होता है होम्स से। और ये सारे काम उसने पास भी किए थे, वो बात हमें नहीं बताई गई है, ऑर्थर कैनन डॉयल ने हमें नहीं बताई है कि उसने ऐसा क्या किया था। अब वॉटसन जब ये, और दूसरी वजह ये होती है कि उसको लगता है कि उसने सारे मास्टर होम्स के जितने भी मेथड थे अब होम्स के सारे मास्टर कर लिए मेथड्स को, अब सब समझ चुका है, वो होम्स को अच्छे से परस्यू कर सकता है, अच्छे से फॉलो कर सकता है। अब होम्स और वॉटसन में अगर फर्क देखा जाए, सबसे पहला फर्क तो ये होगा कि होम्स जो है वो लीडर है और वॉटसन जो है वो एक फॉलोअर है। अब वो चाहता है कि वो अब उसके मेथड्स को सारे परस्यू कर ले, वॉटसन चाहता है कि होम्स के सारे मेथड्स को परस्यू करे, और वैसा क्यों चाहते हैं क्योंकि उसको वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है वॉटसन से, होम से वॉटसन को ज्यादा इंस्पायर है होम से, इस वजह से वो चाहता है उसके सारे अप्रूवल्स को सीख कर ले और मेथड्स को भी परस्यू कर ले। अब होम्स उठता है अपनी चेयर से जिसपे वो बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, उस चेयर से उठता है और फिर जाकर स्टिक को एग्जामिन करता है अपनी नेक टाइप से, और फिर वो उस पर कॉन्वेक्स लेंसेज वो करता है, एग्जामिन करना स्टार्ट करता है। वो उसके बारे उसके बाद वो बोलता है कि इसमें सेवरल इंडिकेशंस हैं। अब वॉटसन जो था वो बिल्कुल ही अपना खुश हुआ हुआ था और मतलब कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वॉटसन होम्स ने उसकी तारीफ की है, क्योंकि वो काफी इंस्पायर थे इस वजह से उसको काफी अच्छा लग रहा था। तो वो अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस से बाहर आकर पूछता है क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी मोस्ट ऑफ दी जितनी भी कंक्लूजन थी, मोस्ट ऑफ दी कंक्लूजन वो सारी इरोनियस थी, वो जो थी वो सारी फैलेसीज थी, इसका मतलब है कि वो मटेरियल फैक्ट्स पर बेस नहीं कर रही थी, वो सारी सिर्फ हमने कुछ देर के लिए हमें सही लगी थी। अब होम्स उन्हें बताना शुरू करते हैं कि क्या क्या सही बातें थी जो उसने बताई थी और क्या क्या फैलेसीज थी। अब जब होम स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले वो बताता है कि वो कंट्री प्रैक्टिशनर है, ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है, वॉक कर चुका है ग्रेट डी, ये बात भी उसकी ठीक है, लेकिन उसकी एक और बात गलत है, वो कौन सी है कि वो एक एल्डरली पर्सन है, अगर वो एल्डरली होता है वो इतना नहीं चल पाता क्योंकि बूढ़ा आदमी को ज़्यादा नहीं चल सकता, इसका मतलब है वो यंग फेलो है, एक यंग आदमी है। इस बात की भी उसमें बताया गया है पूरी स्टोरी में कि क्योंकि हमारे ऑथर जो है हमारे जो स्टोरी के ऑथर है वो हमें बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो ये बात भी उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन की है कि कैसे हाउ उन्हें पता चलता है कि यंग फेलो। अब वो बताता है कि प्रेजेंटेशन जो है वो
कोई लोकल हंट से नहीं है, एज कोई लोकल हंट नहीं है, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद एज कोई लोकल हंट होगा जो एक मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ मेंबर होगी, जो कि बात उसकी बिल्कुल गलत है। एज अगर वो फैमिली प्रैक्टिशनर होम कंट्री प्रैक्टिशनर था तो जो एज है वो स्टैंड फॉर हॉस्पिटल, और सी सी स्टैंड फॉर कैरिंग क्रॉस जो कि टाउन में हॉस्पिटल था। इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो टाउन में हॉस्पिटल था उससे उसने पहले अपने आप को स्विच किया। अब पहले पास में पहले के ज़माने में ना सर्जन को थोड़ा कम समझा जाता था, और जो हमें नॉर्मल हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं छोटे से, उन्हें थोड़ा ज़्यादा समझा जाता था। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे छोटे मोटे फिजिशियंस होते हैं वो सिर्फ हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, जबकि जो सर्जरीज करते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, वो बॉडी ह्यूमन बॉडी को टच करते हैं, डेट्स उनको थोड़ा कम समझा जाता था। और उसने उससे स्विच किया था अपने आप को एज ए कंट्री प्रैक्टिशनर, तो उसको तब वो एक प्रेजेंटेशन मिली थी एज ए रिटर्न गिफ्ट। और इस बात से हमें एक और बात पता चलती है कि वो वेल एस्टीम्ड मैन था, दैट्स वाई उसको ये सब मेरा से रिस्पेक्टेबल था वो, इस वजह से उसको विल गुडविल की तरह से उसको एक स्टिक मिली थी एज अ प्रेजेंटेशन। और उस पर जो डेट लिखी हुई होती है, मैंने बताया था कि वो हर चीज़ को डिफाइन करते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं हमारे ऑथर, तो उन्होंने इसमें बताया कि हमें इस तरह पता चलता है कि वो 30 से कम फेलो था। वो इसलिए क्योंकि वो 1884 की डेट डली हुई होती है, जो इनग्रेव हुआ वो होता है वो 1884, मतलब कि उस वक्त उसने लीव किया था अपने आप को, अपने उस पैशन को, पैशन सही होगी, उसने अपने उस जगह को टाउन जो टाउन में कैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल था उसको 1884 में स्विच किया था एज अ कंट्री प्रैक्टिशनर जब वो बना था। और उस तो इससे मतलब है उसको 5 years हो चुके थे 1889 तक, इस मीन वो यंग फैरो था। अब होम जो उसकी 5 बातें हमें बताई, पहली कि वो एक यंग फैरो था, 30 से कम की एज का था, दूसरी कि वो एमेबल था और एफेबल था, और वो ये क्यों था, वो इसलिए क्योंकि उसको एज अ गुडविल एक प्रेजेंटेशन मिली थी। वो अनएम्बिशियस था और एब्सेंट माइंडेड था। वो एब्सेंट माइंडेड क्यों था, क्योंकि वो अपनी स्टिक को भूल चुका था जहाँ पे वो उनसे मिलने आया था। उसके पास एक फेवरेट डॉग था। अब वो फेवरेट डॉग क्यों था उनके पास, क्योंकि वो जो केन थी उसके एंड पे च्यू मार्क्स के निशान बने हुए थे, मतलब उनके पास एक डॉग भी मौजूद था।